आदिवासी महापंचायत के मुखिया को मिली धमकी, नेतागिरी मत कर वरना निपटा देंगे। खबर करहल से है, जहां चुनावी सरगर्मी अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि इसी बीच एक नई घटना सामने आई है। आदिवासी समाज की 84 महापंचायत के अध्यक्ष टुंडाराम लंगूरिया की पत्नी जब घर पर अकेली थी, तभी 4 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर धमकी दे डाली। पत्नी को धमकाते हुए कहा कि अपने आदमी को समझा लेना, ज्यादा नेतागिरी कर रहा है, उसको समझा लेना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, कहकर चले गए। जैसे ही टुंडाराम रात को घर पहुंचे तो पत्नी ने पूरी घटना बताई। दूसरे दिन टुंडाराम ने पत्नी के साथ करहल थाने में आकर शिकायती आवेदन ड्यूटी पर तैनात एसआई पीएम यादव को दिया है। एसआई पीएस यादव ने हमसे बात करते हुए बताया कि आवेदन प्राप्त कर जांच में ले लिया है, जो भी जानकारी निकल कर आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका, आप थाने में आई हुई हो? रीना लांगुरिया। रीना लांगुरिया जी, क्या घटना हुई है आज, आप बताइए। घटना यही, मैं घर पर अकेली थी और मेरे बच्चे थे मेरे साथ, तो नहीं आते, ये तो बाहर निकल जाते हैं, चाहे तो रात के 10 बजे, रात के 11 बजे ऐसे घर वापस आते हैं और लोग बाग आते हैं, आए थे, मुझे तो पता नहीं। मैंने तो ये सोची जाती कि मिलने वाले लोग आए, मुझे ये पता थोड़ी है तो कोई मुझे धमकी दे भी आएंगे, तो मुझसे बुंडा थे अगर तेरा आदमी को नहीं समझ आगी तो तुझे मार देंगे, तेरा आदमी ज़्यादा नेतागिरी कर रहा है, वो सारी बातें कर रहा है, सारे बाह में तेरे आदमी को नाम है, नहीं तो तेरे आदमी को मानना चाहेंगे, नहीं तो तुझे मानना चाहेंगे। कितने लोग थे ये जो आए थे घर? 4 लोग थे। 4 लोगों की तुमने शकल देख पाई किसी नहीं की? नहीं, शकल भी तो सादा कपड़न में आते और डट्टा लगा रहे थे। थे बाइक से थे, पैदल, क्या किस चीज से आए थे? मैं तो घर में अंदर आती, बाहर तो कोई भी नहीं है, तो मेरे तो बगल आ गए, आस पड़ोस के थे भी, तो आपस में आते जाते भी नहीं है क्योंकि घर को नहीं आता। तो क्या कह कर गए, अगर उन्हें नहीं समझाया तो उन्हें मार देंगे? हाँ, ऐसे ही कही, यही बात 3 साल पहले बात वही थी, तब भी धमकी दी थी अकेली को रक्षाबंधन के दिन। तब कितने लोग थे? तब 2 थे, अभी 4 लोग आए थे। 4 लोग। अभी आप क्या थाने में क्या कहने आई हो? मैं तो यही दम कि मुझे धमकाने से क्या है, मेरे आदमी को धमकाओ, मैं क्या कर सकती हूँ। आयो, और एक पोस्ट भी वायरल की है आपने सोशल मीडिया पर, क्या मामला है पूरा? जी देखिए, सबसे पहले मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ और दूसरी तरफ राजनीतिक भी हूँ, लेकिन मेरे घर पर जो घटनाएं घटती हैं उसका मुझे बाद में पता चलता है कि मेरे घर पे क्या हुआ है। मेरी मिसेज घर पे अकेली रहती है, मेरे बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, है? ऐसी घटना आज से 3 साल पहले हुई थी, रक्षाबंधन के दिन। मेरी पत्नी घर में लीपापोती कर रही थी, 2 नकाबपोश बदमाश आए थे, उन्होंने मेरी पत्नी को धमकाया, डराया, और उन्होंने ये भी कहा था कि तेरा पति ज़्यादा राजनीति कर रहा है, अगर ऐसा करेगा तो हम उसको जान से मार देंगे। बिल्कुल ऐसी की ऐसी घटना कल शाम को मेरे घर पर हुई है, तो इसको अंदाजा, मैं मानता हूँ मेरी कराल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि भाई मेरी किसी कोई दुश्मनी है, लेकिन ये लोग कौन है, कहाँ से आए, किस लिए मुझे धमका रहे है, ये मुझे नहीं पता। कितने लोग थे ये कल? मेरी मिसेज बता रही है 4 लोग थे, और मेरा घर सबसे पूरे मोहल्ले से आउट में है, जहाँ मेरे बच्चे अकेले रहते हैं वहाँ पे। किसी पे कोई शक? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई पे कोई शक नहीं है, मेरी कहीं से कहीं तक कोई दुश्मनी नहीं है। अभी आप क्या थाने में क्या लेकर आए? अब थाने में मैं इसलिए आया हूँ कि हो सकता है कि थाने वाले कुछ करें, या आवेदन लेके आऊँ मैं, अपने पास मेरे पास ये आवेदन है, मैं दूंगा उनको। अगर देखो, बिना शक के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कम से कम अवगत तो करा दूँ थाने में कि भाई मेरे साथ जो घटना घटी है, इसलिए मैं अवगत कराने आया हूँ। मेरी मैसेज भी आई है, मेरे बच्चा भी आया है, 2 बच्चे मेरे घर पर, 1 बच्ची मेरी कराल पड़ती है, इसलिए मैं कराल थाने में अवगत कराने आया हूँ।